मंदिर बाहर अगणित भिकारी मानकर धाड़ी लागिथिला। समस्तक मुह आशा और अभिलाषे फुटी उठुथिला। रुक्मिणी देवी गाड़ी ओल्हेबा मात्रे ही चारिआडू भिकारी माने गाड़ी को घेरी गले। समस्तक जना थिला कि रुक्मिणी देवी एबे खाइबा द्रव्य कंबल और लुगा बांटिबे। तांको ड्राइवर रियासत अली समस्तक हटेकी तांको पई जीवाकू रास्ता खाली करिबाकू लागिला। रुक्मिणी देवी दृष्टि सभा पक्षरे बसी भिकारी देखा जाउथिबा व्यक्ति आड़क पड़िला। तांको देखिकी किछि अद्भुत लागिला। ता दाढ़ी बड़ हो जाइथिला, चुटी नोखरा थिला, आखिरे एक अद्भुत पूर्वक आत्मविश्वास भरिकी थिला। तांको जेमिति कोनोसी जिनिसर आवश्यकता ही नथिला। से पूरा दुनिया ठू पूरा अलग होई किछि आशा पाई देखुथिला। रुक्मिणी देवी सीधा ता पाखरे पहुँचिले आउ ताकू पचारिले, बाबा आपनको कोन किछि दरकार नाही कि? से व्यक्ति किछि भी कहिलानी, शून्य ही देखुथिला। रुक्मिणी देवी ताको पुणी थरे पचारिले, बाबा आपण किए? किछि तो कहंतु। सेतेबेले से व्यक्ति जनक रुक्मिणी देवी को गोटे लक्ष्य देखि कहिले, मो भिकारी नुहे, समयर दास अटे, जाजबर अटे। प्रथमे अन्य समस्तक आवश्यकता को पूरा कर दियंतु, तापरे मो पाखकु आसीबे। तांका शब्दर गांभीर्य तांको विचलित करिदेला। से प्रथमे पूजा थाली नेकी मंदिर को गले। भगवान को प्रार्थना कले कि प्रभु मते शक्ति दियो, मु से लोकर इच्छा को पूरा करि पारिबी। जेतेबेले से मंदिरर पूजा सारी फेरिके आसिले तो तांको दृष्टि से व्यक्ति को खोजिबाकू लागिला, किंतु से केउठारे भी देखा गलेनी। रुक्मिणी देवी जेतेबेले निराश होई भिकारी को खाइबा लुगा और कंबल बांटिकी गाड़ी में बसिकी जीवाकू लागिले तो देखिले तो सही लोकटी सही आड़े चिंता मग्न हुई बसिछि। से रियासत अली को गाड़ी रखिबाकू कहिले और ओल्हेकी तांको पाखकू पळाइले। पुणी तांको कहिले, बाबा आपण कहिबिनि कि आपण की? सही व्यक्ति कहिले, प्रकृत रे मु मो पुओ बाल गोपाल पाखकू आसीथिनि, किंतु ता घरे ताला पड़िथिला। केजानि से कोठी को जाइछि। मो गाँव स्कूल रे पढ़ौथी, एबे रिटायर्ड हो गली। तो भाविली गोपाल को टिके देखा करके आसुछि, आमर गोटे बोली सहारा। मो ताको मो स्त्री गला परे एकोटिया ही पाही पोषिकी बड़ करिछि। से चिठी रे लिखिथिला कि ताको चाकरी मिल जाइछि। से चाकरी करथिला, किंतु ताको सेठार काम पसंद नथिला। से लिखिथिला कि जेउठारे से काम करुथिला सेठारे कला बजारी चली। किए जड़े जमीदार ता कामरे डाकिबारु से सेठा को जीवार थिला। से लिखी थिला कि जमीदार बहुत भल लोक। रुक्मिणी देवी आश्वासना देले। से कहले, आपण ताको आसीबार सूचना तो ताको देइथिबे ना? से कहला, केते मास हेला तार कोनोसी खोज खबर नथिला, एथिपाई मु किछि न कहि पळै आसीथिनि। मते सहर को आसबार 15 दिन हो गला, किंतु गोपाल किछि भी खबर नहीं। जो टंका मु गाँव आनी भी सरीगला। ए सहर रे मोर केही भी बंधु नहांती जोठी को मु जाई पारिबी। सेथिपाई मु से मंदिर पाखरे बसि कि समय बिते दिए। आपनक पाखरे आपनक पुओर किछि फोटो तो थिबो? से लोकटी जल्दी ता पकेट रो गोटे पुराना फोटो बाहर करि देई दिले। रुक्मिणी देवी फोटो लेके कहले कि आपण जदि खराब भावेबेनी ताहले गोटे कथा कहबी। आपण मो सह मो घर को चलंतु। जे पर्यंत आपनको आपनको पुओ न मिलिछि आपण से पर्यंत आम सहित ही रहिबे। से चुपचाप तांको सहित आसी बसी पड़िले। एहा परे रुक्मिणी देवी से देइथिबा फोटो उपरे दृष्टि पकाइले तो तांको मुंडरे झाड़ आसी गला। ये तो सही पिला अटे जे निज स्वामी हत्याकारी भावे जेल को पठाई देइथिले। कारण जेतेबेले तांकर गोटे चाकर तांकर रूम रो किछि शब्द सुनी पहुंचीथिला तो सही समय रे ता हातरे रक्तर छुरी थिला। और से डरी जाई बारंबार एहा कहूथिला कि बाबू तो मते आज चाकरी पाई लाकिथिले। से जेतेबेले कक्ष को आसिले तो गोटे लोक दौड़ी दौड़ी जाउथिला। जल्दी जल्दी रे ता बटुआ पड़ी जाइथिला, जहां से तांको देखाई भी थिला, किंतु से पर्यंत पुलिस आसी सारी थिला। से ताको ही धरी पकाई थिला। रुक्मिणी देवी चाकर बटुआ विषय क्या किसी भी कही नथिला कारण से बटुआ रुक्मिणी देवी भाई रही भाई सबुबे जमीदार टंका मागिबा आसे से आज्ञा ताको बहुत थर मना भी चाकर को से सबुबे किसी ना किसी ही देउथाए से चाकर चुपचाप से बटुआ को सेठ को घरे लुचे दिए कारण से टंका कमेबार मौका मिल सारी जितेबले रुक्मिणी देवी को सही बटुआ कक्ष सफा कला बेले मिलला तो से चाकर को पचरा पचरी कला से सब सत सत कहीदेला किंतु जहा हो सारी ताकू तो बदलैबार कौन भी रास्ता नथिला सही पापरू बंचीबार से गत 4 मास हेला लगातार दान पुण्य करुछंती तांकु बा कौन जना थिला कि निजे करिथिबा कर्म एपरी भाबे सामना को आसी जीवो। रुक्मिणी देवी भाबिले एबे कौन करिबी ए बुढ़ा व्यक्ति को धोखा तो दे पारिबिनी। जितेबेले से लोक माने घरे पहुंचिले तो बुढ़ा व्यक्ति को रहिबा पाई पछपटर कक्ष और खाइबार बंदोबस्त करी सीधा निज कक्ष को पलाइले। सेठाको जाई स्वामी फटो सामने मुंड रखिकी बहुत समय जाए कांदिबाकू लागिले। भाई मुहरे पड़िकी तांको द्वारा केते बड़ा अपराध होइथिला सेतेबेले तांको मुहरे गोटी कठोर भावना जागृत हेला। से जल्दी पुलिस वाला को खबर देले कि तांको स्वामी हत्याकारीर बटुआ मिलिछि पुलिस आसिकी जांच करि पारिबो। पुलिस वाला जेतेबेले आसिले तो से चुपचाप से ही बटुआ तांको देइदिले और कहिले आज से ही कक्ष सफा कला समय रे ए बटुआ कौन सी कोणरे पड़िथिबार मिलिला बोधे से हत्याकारीर होइथिबो। पुलिस वाला से बटुआ खोलिले तो सेथिरु तांका भाई रही कागज और जिनिस थिला। पुलिस वाला ताको आनंद भवन रु जुआ अड्डा रे धरी पकाइले। किछि दिन परे रुक्मिणी देवी से बुढ़ा लोकर पुओ गोपाल को रिहा करथिले निजे ही ताको नेबाकू गले। तांको देखिबा मात्रे ही गोपाल डरी गला से कहिला एबे आपण मोठो कोण चाहुछंती। रुक्मिणी देवी कहिले मो पछे पछे आस आ कोनोसी प्रश्न करनी तुमे मो गाड़ी रे बस तमको मो सब कहूछि। गोपाल घृणापूर्ण दृष्टि रे तांको देखिला और कहिला सेते बेले तो आपण मो कथा को विश्वास करूनथिले एबे केमिते विश्वास हैला। गोपाल जदि तुम बापा मते मिली न थांती ताहले मते एबे भी विश्वास होई न थांता। तांको देखिला परे मते एमिते लागिला कि तुमे निश्चित रूप से अपराधी होई न थिबो। तमे तांको किछि भी कहिबनी कि तुमे कोठी थिलो से मो घर पछपटे कक्षरे रहउछंती। गोपाल चिंतित होई तांको मुह को देखिबा को लागिला और कहिला किंतु से आपण को कोठु मिलले। रुक्मिणी देवी गोपाल को सब कथा कहले और कहले जदि प्रथम मते चढ़ा पड़ी जाइथांता कि मो भाई ही मो स्वामी को मारिछि ताहाले तुम ऊपर एते बड़ अन्याय होई न थांता हेई पारे तो मते क्षमा करि दबो। मनरे चलीथिबा अंतर्द्वंद सरी जाइथिला तांको मन बहुत हल्का हे जाइथिला।